नमस्कार, आप देख रहे हैं खाते गांव लड़कों में आपका डिजिटल मित्र आशीष ओम प्रकाश जायसवाल खाते गांव डॉट कॉम से। आज फिर से नगर परिषद में अध्यक्ष के रूप में हम नीरज जोशी को देख रहे हैं और पहला दिन आज हम मूलता मान सकते हैं जिसके माध्यम से जनता की सेवा करने का 5 वर्ष के बाद फिर से 1 वर्ष का इन्हें मौका मिला है। इस वीक हम देख रहे हैं वार्ड क्रमांक 1 में सैनिटाइजर मशीन से नगर पंचायत के दल बल के साथ यहाँ पर सैनिटाइजर का छिड़काव हो रहा है, वार्ड वाइज यहाँ से करने की योजना है। नीरज जी, आपको पहला तो बहुत बधाई हो, फिर से एक बार जनता की सेवा करने का आपको मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने पुनः हम जनप्रतिनिधियों को 1 वर्ष का मौका दिया है और यह मौका नहीं है, यह हमारे लिए सेवा का अवसर है और हम पूरी तरीके से सेवा करेंगे। तो जिस प्रकार से आज देश कोरोना की एक महामारी से जूझ रहा है जिसमें हमारा खातेगांव नगर भी शामिल है, हम पूरी तरीके से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि नगर खातेगांव को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखें। और हमारे इस कार्य में शंकर भाई गुड़िया लक्ष्मी नारायण कृषि सेवा केंद्र के जो संचालक हैं वो मेरे साथ हैं और वो नगर पालिका को जो सैनिटाइजर मशीन चल रही है ये विगत 8 दिनों से अपनी सेवाएं नगर पालिका को दे रहे हैं। हम नगर पालिका की ओर से, नगर परिषद के कर्मचारियों की ओर से, खातेगांव नगर की जनता की ओर से शंकर भाई गुड़िया का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 1 लाख रुपये की मशीन हमारे छोटे से निवेदन पर जो है हमें उपलब्ध कराई जिससे कि खातेगांव नगर सैनिटाइजर युक्त हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से, खातेगांव वाले डॉक्टर के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि खातेगांव नगर की जनता से कि आप सब अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोई भी लॉकडाउन को ना तोड़े, लॉकडाउन का पालन करें। अगर आपको कोई भी समस्या है तो नगर परिषद का जो टोल फ्री नंबर है आप उस पर भी फ़ोन लगा सकते हैं, 94-250-50-980 मेरे स्वयं का नंबर है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, CMO साहब को कॉल कर सकते हैं, मीडिया के माध्यम के आपके माध्यम से जो है बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपको जो भी समस्याएं हैं हम उनका समाधान करने के लिए तत्पर हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो अपील है कि लॉकडाउन में रहें, अगर लॉकडाउन में हम रहेंगे, घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, हम सब प्रशासनिक रूप से आपके लिए तत्पर हैं और हमेशा रहेंगे। और खातेगांव नगर की जनता स्वच्छता का बहुत ध्यान रखे, कचरा कचरा गाड़ी में ही डालें, कचरे को इधर उधर ना फेंके और कर्मचारियों का पूरा पूरा सहयोग करें। जैसा कि हमारा नगर अभी पूरी तरह से सुरक्षित है कोरोना वायरस की लड़ाई में, सब भी लोग साथ दे रहे हैं, आगे की क्या आपकी रूपरेखा रहेगी जिसके माध्यम से नगर में ऐसे वायरस फिर किसी भी तरह से प्रवेश ना कर पाए? देखिए, शंकर भाई गुड़िया ने भी कई प्रकार के केमिकल बुलवाए हैं और वो केमिकलों का भी छिड़काव किया जा रहा है। इसके बाद में फॉगिंग मशीन भी जो है रोजाना शाम को नगर में मच्छरों को मारने के लिए निकल रही है, मलेरिया आयल, कैसोलिक आयल और पाउडर, उसके द्वारा भी हम जो है मतलब स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। पाउडर की कमी हो चुकी थी, खत्म हो चुका था 3-4 दिनों से, लेकिन कल जो है वापस नगर पालिका में CMO साहब ने बुलवा लिया है तो आज से जो है स्वच्छता कर्मचारी सारे नगर की जो भी नालियां हैं उनमें जो है पाउडर डाल करके और गंदगी समाप्त करेंगे। मलेरिया आयल, कैसोलिक आयल का भी छिड़काव होता रहेगा और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारी 2 मशीनें चल रही हैं पूरे नगर में और पूरे नगर को लगातार सैनिटाइजर युक्त किया जा रहा है जिससे कि जो भी कीटाणु है, जीवाणु है, उनका नाश किया जा सके। और इन सबसे ज़्यादा जरूरी मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि लॉकडाउन का पालन करना बहुत जरूरी है। यह तो सब प्रक्रियाएं चली रही हैं लेकिन हम अपने घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, आप अपने घर से ना निकलें, कोई भी बेवजह घर से ना निकलें। इसके अलावा अगर आपको कोई जरूरी सामान की आवश्यकता लग रही है तो ऑपरेशन डाल के कार्यकर्ता भी बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं, आप ऑपरेशन डाल के माध्यम से अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है बुलवा सकते हैं और आपको किसी प्रकार से घर में से निकलने की आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, ये जो लॉकडाउन 2 है यह अब कुछ दिनों का बचा हुआ है लेकिन हमारे यहाँ पर जो है मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हमारा देवास ज़िला जो है वो रेड जोन में है, तो हम यह कोशिश करें कि जो अब लॉकडाउन के दिन बचे हैं उसमें हम यह प्रयास करें कि ग्रीन जोन में हमारा जो है देवास ज़िला आ जाए। अभी हमारे खातेगांव नगर पूर्ण रूप से सुरक्षित है और माँ नर्मदा से और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा नगर पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे और यह तभी रह पाएगा जब हम सब मिलकर ईश्वर अग्रसर होंगे, कार्य करेंगे और हम सब मिलकर प्रशासन का सहयोग। पिछले वर्ष के कार्यकाल में हमने देखा कि पानी की समस्या नगर पालिकावासियों को हुई थी, उसमें कई तरह से आपने भी प्रयास किया था परंतु फिर भी समस्या देखने को मिली थी। इस वर्ष आपसे अपेक्षा की जा रही है कि पानी की समस्या ना हो? बिल्कुल, इस बार पानी की समस्या नहीं होगी। पिछली बार जो समस्या आई थी वो विगत 4 वर्षों से जो है अल्प वर्षा के कारण हमारे क्षेत्र में जितने भी पानी के स्रोत थे वो सूख गए थे और वो पूरा नगर जो है नर्मदा जी के जल पर निर्भर कर रहा था। नर्मदा जी का जो हमारा सेटअप है वो पूरे नगर को पानी उपलब्ध नहीं करा सकता है, इसलिए यह समस्या आई थी। इस बार नगर में कोई भी पानी की समस्या नहीं आएगी क्योंकि हमारे नगर में जितने भी ट्यूबवेल हैं उनके द्वारा भी जल प्रदाय की व्यवस्था अनवरत रूप से चल जा रही है और नगर में पूरी तरीके से पर्याप्त पानी है। और मैं खातेगांव नगरवासियों को पूर्ण रूप से आश्वासन देता हूँ कि इस बार गर्मी में एक भी दिन आपके यहाँ पर पानी की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, सफाई संबंधी समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी। इसके बावजूद भी अगर कोई आपको समस्या है तो आप मुझे CMO साहब को टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
तो आप सुन रहे थे नीलेश जोशी जो कि फिर से नगर पंचायत अध्यक्ष से मौका मिला है, उनका कहना है कि मुझे अवसर मिला है। तो इस तरह से वार्ड क्रमांक 1 से 8 से सैनिटाइजर का छिड़काव हो गया है। खातेगांव नगर पूर्णतः सुरक्षित रहे इसके लिए भी कार्य करने का उन्होंने बोला है। दो नंबर में जल्दी कर देना।